नमस्ते एंड ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सी द सोल दैट ट्रुथलाइज़ विद इन में। और आज हम बात करेंगे 28 अप्रैल के ईश्वर वरदान की। और जो लोग इसको व्हाट्सएप पर सुन रहे हैं, आप शायद से देख ना पा रहे हों कि हम एक बहुत ही सुंदर नाइटेंगल शिवरी पार्क में हैं, जो कि मेरे होम स्टे से बहुत ही पास है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग आज सुबह सुबह 28 की मॉर्निंग की, अप्रैल की। और अभी तो आपको सिर्फ यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं और अच्छे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं ग्रीनरी के, लेकिन जैसे ही थोड़ा विंटर्स का टाइम आएगा तो ये बादल सब हट जाएंगे, अच्छी धूप होगी और हमें बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखेगा आपका नाइटेंगल पार्क का। और यहाँ से आपको दिखेगा कंचनजंगा रेंज पूरी बर्फ से भरी हुई, बहुत ही सुंदर। तो तब तक लिए वेट करें, देखते रहें और सुनते रहें इस वरदान को। और परमपिता परमात्मा आज हमसे चाहते हैं कि हम अपने प्रेम के द्वारा परमात्मा से लिंक्ड रहें, ताकि परमात्मा हमारी प्रोटेक्शन कर पाए, परमात्मा हमें पिता हमें बचा पाए कोई भी सिचुएशन से। तो क्या कहते हैं देखिए उसको, बाबा कहते हैं, बाबा मतलब पिता, स्नेह की उड़ान द्वारा। उड़ना कहाँ पर, अब ये उड़ान कौन सी हो रही है, हम आत्मा ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, तो हम आत्मा आए थे परम धाम से, जिसको हम सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं, गॉड फादर्स होम कहते हैं, या परमात्मा का घर कहते हैं, अल्लाह का आलम अरवाह कहते हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हम इस जगह को, या निर्वाण धाम भी कहते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम आत्माएं इस धरती की बातें और धरती के शरीर और शरीर की बातों को भूल करके शांति पाने के लिए ऊपर उड़ पाएं, संकल्पों से उड़ें हम, जैसे कि आप संकल्पों से कहीं भी पहुँच सकते हो। आप अभी चाहो तो ये नज़ारा देखा, आप फटाफट अपने संकल्पों से इस दार्जिलिंग के शहर और इस पार्क में भी अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि आप यहाँ पहुँच गए, तो आप थॉट से पहुँच गए। इसी तरीके से आप थॉट से परम धाम या सुप्रीम अबोर्ड, या जहाँ परमपिता परमात्मा परलोक में रहते हैं, वहाँ भी आप शांति पाने के लिए, उनके सानिध्य में रहने के लिए एक सेकंड में पहुँच सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको वो ज्ञान लेना तो ज़रूरी है। तो परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले, समीप से परमात्मा से करने वाले, पास विद ऑनर भवा। तो हम जिसके समीप होते हैं उनके जैसी हमारे ऊपर उनकी जैसी आदतें उनकी जैसी सोच बन जाती है, और अगर हम परमात्मा के समीप रहते हैं तो उनकी जैसी सोच उनकी जैसी आदत होने से हमसे कोई पाप कर्म नहीं होते, और हम हर सिचुएशन में अपने आप को पार कर लेते हैं, पास कर लेते हैं अपने आप को। तो परमात्मा कहते हैं स्नेह की शक्ति से, परमात्मा के साथ स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से मन से व दिल से बाप के समीप लाती है, तन से भी दिल से भी और मन से भी। हम जब परमात्मा से प्यार होता है या किसी व्यक्ति से भी प्यार होता है तो हम तन से मन से दिल से उसके समीप होते हैं। परमात्मा भी कह रहे हैं तुम भी यहाँ पर, मेरा तन तो है नहीं लेकिन फिर भी तुम अपने आप को ऐसे महसूस कर सकते हो जैसे कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, आसपास कहीं, अगर तुम्हारा मुझसे स्नेह है तो। ज्ञान योग धारणा में, अब ये जो ज्ञान है और परमात्मा की याद में हम कितना याद कर पाते हैं पूरे टाइम उनको, और धारणा मतलब कि हम इस नॉलेज को कितना इम्बाइब कर पाते हैं और कितने अपने कैरेक्टर में अपने बिहेवियर में अपनी सोच में प्योरिटी ला पाते हैं, चेंजेस ला पाते हैं, वो परमात्मा कहते हैं कि वो हर एक बच्चे का अपना अपना है। तो ज्ञान योग धारणा में यथार्थ शक्ति नंबर वार है। जैसे कि स्कूल में बच्चे होते हैं तो वो अपने मार्क्स अपने क्षमता के अनुसार लाते हैं, यहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी में जो हम नॉलेज ले रहे हैं उसमें भी हमारे मार्क्स अपनी बुद्धि की क्षमता अनुसार आते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान में योग में और धारणा में हो सकता है कि आप नंबर वार हो, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर वन है। तो परमात्मा से जैसी अपना परिचय मिला, परमात्मा का परिचय मिला, वो कौन है, कहाँ है, कैसे दिखते हैं, तो उनसे स्नेह और एक संबंध जुड़ गया, और हर आत्मा का स्नेह बराबर है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना। या तो हम इंसान के पास हो सकते हैं या तो फिर हम परमात्मा के पास हो सकते हैं। तो परमात्मा के पास होना माना ही उनसे स्नेह है हमारा, वह हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। तो परमात्मा का स्नेह, परमात्मा का प्यार, मतलब परमात्मा की बताई हुई शिक्षाएं जो हम ब्रह्म कुमारीज में हर दिन सुनते हैं कि बच्चे ऐसे मत करना, ऐसे करना, ये मत सोचना, ये सोचना, ऐसे करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसे फल करोगे तो ये कर्म का असर पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान होता है ये तभी याद रहता है, ये मीठी बातें तभी याद रहती हैं जब किसी से प्यार होता है। तो परमात्मा से अगर प्यार है तो उनकी मीठी बातें जो बताई होती पूरे दिन भर याद रहती हैं, और हम अलर्ट रहते हैं कि हाँ जो परिस्थिति आ सकती है, कोई गुस्सा हो सकता है मेरे साथ में, कोई सिचुएशन आ सकती है, चाहे वो धन की हो, चाहे मन की हो, चाहे संबंधों की हो, लेकिन उसमें मुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया है और मुझे सब कुछ याद है क्योंकि मुझे उनसे प्यार है।
तो प्यार है तो परिस्थिति भी आराम से हम पार कर लेंगे, क्योंकि इनकी बातें याद आ जाएंगी हमें। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। और ये यूनिवर्सिटी है ब्रह्म कुमारीज गोल्डी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हम अपने कैरेक्टर सुधारने, अपनी सोच सुधारने के लिए आते हैं, ताकि हम परमात्मा की नज़र में ऊँचे हो जाएँ। इंसान आज एक दूसरे की नज़र में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, धन संपत्ति और अपने प्राप्तियों को दिखा करके। परमात्मा कहते हैं वो तो यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन आपका अगर कैरेक्टर सुधरा नहीं, अगर आप पवित्र नहीं बने, अगर आपकी सोच अपवित्र रही, तो आप मेरे नज़र में आप गिर गए, आप मेरे लायक बने ही नहीं, आप वापस ऊपर आ ही नहीं सकते हैं, आप मुक्ति में जा नहीं सकते हैं। तो कौन सा ज्ञान ज़रूरी है, आप खुद ही सोच लीजिएगा। फिर इसलिए परमात्मा कहते हैं वो पास विद ऑनर इस यूनिवर्सिटी में हो जाते हैं जो मेरे समीप प्रेम में रहते हैं। रहें कैसे समीप प्रेम में, इसके लिए आपको ब्रह्म कुमारीज गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के ये ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। आज का ये ईश्वरी वरदान, नज़ारों को भी आप देखते रहे, सुंदर सुंदर इन फूलों को भी आप देखते रहे जो पीछे लगे हुए हैं, और साथ ही साथ फूल जैसा, इन सुंदर फूल जैसे अपने मन को बनाते रहे इन वरदानों को सुनते हुए। इसके साथ ओम शांति, आपका दिन शुभ होगा।